तो भाई लोग, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने इंडियन मून नाइट के बारे में। जी हाँ, मतलब वो इंडियन मून नाइट वैसे नहीं है, पर उस दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज इतनी ज़्यादा है कि आप उसे इंडियन मून नाइट बोल सकते हो। और मैं किन की बात कर रहा हूँ? अपरिचित। हाँ, अपरिचित की, अपना पुराना सुपर हीरो जो कि मतलब दूसरे को ब्रूटली मार देता था। हाँ, मतलब तुमने पुराना देखा होगा कि एक बंदा है जिसके अंदर एक अलग सी पर्सनैलिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी जो बुराई को खत्म करना चाहती है। मतलब ऐसे तीन तरह के पर्सनालिटी दोनों में बहुत काफी सिमिलर है, इसलिए हमने उसे इंडिया का मून नाइट कहा है। हाँ, है ना, क्योंकि दोनों के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी थी, एक बहुत क्रेजी वाला कूल बंदा जो स्टीवन और मतलब अंबी है, वो दोनों एक जैसे ही है। मतलब दोनों काफी शांत और एकदम बेवकूफ कहेंगे या फिर मासूम कहेंगे। जेक और वो है अपने उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो यहाँ पे वो भाई ने शादी कर ली तो यहाँ पे भाई ने शादी कर ली, तो काफी कुछ। तीसरे अपने वो आते हैं मार्क और अपरिचित। अपरिचित दोनों की डार्क पर्सनैलिटी है, मतलब दोनों को सामने से फेस करना ना काफी मुश्किल हो जाता लोगों के लिए। दोनों बात छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे हमने मूवीज में देखा है उन्हें कितने सीन दिखाते हैं वो ऐसे मारते हुए बहुत गंदी तरीके से। और यहाँ पे जब हम मून नाइट की बात करें तो इसका कुछ भगवानों से मिली, कुछ ऐसी गॉड से मिली पावर, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, रूल तोड़ोगे तो मरोगे भाई, बुरी तरह मरोगे। दोनों काफी ज्यादा, मतलब हम सोच रहे थे कि अगर इन दोनों की एकदम फाइट वाइट हो जाए, जैसे हमने कई बार देखा वैसे किस बार में क्लियर है कि जीतेगा मतलब ना मून नाइट ही, क्योंकि इससे गॉड्स की पावर है, गॉड्स की पावर है। और ये तो खाली एक ह्यूमन पावर है, पावर जो एक मल्टीपल पर्सनालिटी, पर वो पावर भी अलग लेवल पे थी। देखा जाए दोनों के सेम ब्रूटल है। देखो अपरिचित की ब्रूटलिटी हम लोगों ने देखी है, कितनी ब्रूटल लोगों को मारता है वो, मतलब बहुत ही गंदी तरीके से पकौड़े मतलब तेल में। आपने अगर आप मून नाइट के बारे में नहीं सुना तो आपको पता होना चाहिए कि मून नाइट ने एक बार डेडपूल को इतनी बुरी तरह मारा था ना पकड़ के, डेडपूल के हीलिंग फैक्टर होने के बावजूद वो एक से डेढ़ महीना हॉस्पिटल में पड़ा रहा था, उसकी सारे हर एक हड्डी तोड़ दी थी और सारी मांसपेशियां फाड़ दी थी उसने। तो इस हिसाब से हमें लगा कि इनका कंपैरिजन काफ़ी अच्छा होने वाला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ काफ़ी सारा सिमिलैरिटीज हैं दोनों देखा जाए तो। अगर और अपरिचित भी काफ़ी टाइम से नहीं आई, तो अगर पार्ट टू भी आए तो हमें मतलब हाँ मतलब काफ़ी अच्छा बुरा नहीं लगेगा उस चीज़ का, काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि एंड में हमने जहाँ तक देखा था उसमें अपरिचित में दिखाते हैं कि वो ठीक भी हो गया, लेकिन जो बिल्कुल एंड में ट्विस्ट डाला ना उन्होंने कि बहुत तगड़ा कसम से खतरनाक वाला, वो तीन ट्विस्ट वाले ट्विस्ट डाले उन लोगों ने एक ही बार में अपने, मतलब पहले लगा कि सच में अपरिचित है, फिर एक पल के लगता चलो अपरिचित जा चुका है कोई दिक्कत नहीं है, सब फिर जब खाल के बाद फेंकता है उसे वो उठा गया, अबे भाई क्या कर दिया ये, ये सोचा कि कोई और मरे इससे अच्छा तो मैं ही इस चीज को झेल लू करके। तो सेम टू सेम दोनों की एक अलग पर्सनैलिटी बन जाती है, वो एक मून नाइट बन गया और वो अपरिचित है और साथ में अंबी भी है, मतलब दोनों के पास डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पर्सनैलिटी के साथ बंदे घूम रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा भाई इनके बारे में बात करके। तो तुम बताओ तुम्हें क्या क्या सिमिलर लगता है इनके बारे में, और ज्यादा कमेंट भर दो, मतलब कमेंट भर दो, 4-5 हजार कमेंट हमें चाहिए जिसमें हम देखें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कुछ और मार्वल्स और कुछ इंडियन हीरो के मेल में। और मुझे एक और बात बताना कमेंट के अंदर कि आखिर कौन कौन से ऐसे इंडियन कैरेक्टर्स और या फिर सुपर हीरोज हैं मूवीज के अंदर जो कि मतलब फॉरेन कंट्री से, किसी से भी मतलब मैच करवा सको, जैसे क्रिश का तुम किसी से भी करा सकते हो, मतलब सुपरमैन से या फिर ओमनीमैन से, हाँ मतलब किसी से भी करा सकते हो। तो प्लीज कमेंट भर दो यार, 5-6 हजार हमें कमेंट चाहिए और लाइक कर देना 10 हजार, सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज।